नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। सेना को मॉडर्न, सेना को हाईटेक, सेना को यंग बनाने की अग्निवीर योजना पर आज देश के 3 सांसदों ने ऐसा झूठ बोल दिया कि सेना पर सवाल उठने की नौबत आ गई। सरकार को बदनाम करने की जो जल्दबाजी है, ये उसी का नतीजा है जो विपक्ष के लिए एक्सीडेंटल हो जाता है। देश के इतिहास में शायद पहली बार ही होगा कि सरकार ने इन सांसदों की जानकारी का फैक्ट चेक किया और इसके बाद देश के सामने सच को रख दिया। अनकंफर्म्ड फैक्ट्स की आग बुझाने सेना को सामने आना पड़ा। खबर से पहले आपको सांसदों के नाम बता देते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के वरुण गांधी। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी इसमें कूद गए। सभी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि अग्निवीर योजना के तहत जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जाति और धर्म का प्रमाण मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है, और ये पूछताछ पहली बार हो रही है, मोदी सरकार के राज में हो रही है। इससे पहले सेना में ऐसे कभी होता ही नहीं था। यह पहली मर्तबा है जब सेना की भर्ती में भी जाति पूछी जा रही है। अग्निवीर पर बयानवीर बने इन तीनों सांसदों की जानकारी अंततः सफेद झूठ साबित हुई। गलत जानकारी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही वो अदृश्य शत्रु है जिसका कल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। आज उस शत्रु ने हमला भी कर दिया। कहा जाता है कि सच जब तक जूते के फीते बांधता है, झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। यह झूठ का वही प्लास्टिक है जो नष्ट नहीं होता और प्रदूषण के अलावा कुछ फैलाता नहीं। झूठे बयानों के फैक्ट चेक के बाद क्या सच सामने आया, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जो सवाल हम आज उठा रहे हैं वो इससे ज्यादा अहम है। हम पूछ रहे हैं कि अग्निवीर पर झूठ फैलाकर जातिवीर क्यों बन रहे हैं मोदी विरोधी। महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों बार बार ये सवाल पूछा गया कि सेना जाति प्रमाण पत्र मांग रही है और ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। तो सेना की ओर से ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया और इस बात का खंडन सेना भी कर चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद ने न सिर्फ भर्ती पत्र शेयर किया बल्कि उन्होंने मोदी सरकार पर ही सवाल उठाया। उनके साथ साथ तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा जैसे दूसरे नेता भी विवाद में कूद पड़े। किसी ने फैक्ट चेक करना जरूरी नहीं समझा, किसी ने यह जानना जरूरी नहीं समझा कि क्या वाकई में ऐसा पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी भर्ती की यही प्रक्रिया थी। इससे पहले भी अग्निपथ योजना को लेकर भड़काने और ऐसी पॉलिटिक्स वाले ट्वीट किए गए थे और बयान दिए गए थे, और आज भर्ती प्रक्रिया पर फिर से सवाल उठाना किस मकसद की ओर इशारा करता है। हमने आज संजय सिंह से सवाल पूछा, उन्होंने फिर मोदी सरकार को घोर जातिवादी सरकार बताया। भारतीय सेना में स्वास्थ्य देख के भर्ती की जाती है, सेहत देख के भर्ती की जाती है, खेल कूद की प्रतिभा देख के भर्ती की जाती है, भारत माता के प्रति, भारत की सेना के प्रति उसकी निष्ठा देख के भर्ती की जाती है। जाति पूछ के भर्ती नहीं की जाती। तो आप क्यों जाति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? कौन होते हैं आप जाति का सर्टिफिकेट मांगने वाले? सेना में कोई आरक्षण तो है नहीं, तो जाति का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? ये एक जातिवादी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की उजागर करती है। लेकिन सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये जो है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था किसी बार से इस बार से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है क्या? इतने सालों तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्या सेना में? ये किस प्रकार की बेबुनियाद तर्क दे रही है? एक घोर जातिवादी। विपक्ष की राजनीति पर बीजेपी ने वार किया और करारा वार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एक सांसद अनजान बनकर ट्वीट कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कास्ट और रिलीजन के कॉलम की असली वजह फिर से समझाई। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं है हकीकत क्या है? हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है। 2013 में किसकी सरकार थी?
2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी, वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। ये तो बात आज पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की थी। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विवाद पर क्या कहा, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लेरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। तो आज मुकाबला में हम ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं, पुराने नियम पर आज नए विवाद छेड़ने के पीछे असली वजह क्या है? अग्निवीर पर गलत जानकारी क्यों दी गई, गलत प्रचार क्यों किया गया, और गलत प्रचार पर ऐसे सांसदों की जवाबदेही कैसे तय होगी? क्या अग्निपथ की आग को एक बार फिर से पूरे देश में सुलगाने की कोशिश की गई है? हमने देखा था जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई तो उसके बाद किस तरीके से देश के अलग अलग कोनों से ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने आई, और उसके बाद एक बार फिर ये फेक न्यूज पेडल करना। इन सब सवालों पर बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हम उनसे पूछेंगे ये सवाल कि आखिर क्या वजह है कि बिना तथ्यों की पड़ताल किए, बिना जानकारी जुटाए, सांसद जैसे माननीय जो जनता द्वारा चुनकर देश की सबसे बड़ी संसद में विराजमान होते हैं, वो ऐसी फेक न्यूज पेडल करते हैं। हमने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया और थोड़ी देर पहले आपने संबित पात्रा का बयान सुना। साल 2013 में जिस वक्त एनडीए सरकार नहीं थी, मोदी सरकार नहीं थी, बीजेपी शासन में नहीं थी, तभी एक एफिडेविट सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया और यह कहा गया कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से जाति प्रमाण पत्र या जाति की जानकारी, धर्म की जानकारी मांगी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सच माना, सही माना। इसके बावजूद सवालों के घेरे में तमाम सांसद आते हैं, वरुण गांधी आते हैं, संजय सिंह आते हैं, इसके अलावा तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम वो नाम हैं जो शायद किसी बहाने का ही इंतजार कर रहे थे कि कैसे अग्निवीर और अग्निपथ योजना के नाम पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सुधांशु जी आपका, आम आदमी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए। आतिशी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत आतिशी आपका भी, और मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत जनरल साहब आपका भी। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आप इस बात को क्लैरिफाई करें, कंफर्म करें कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में अब सेना में भी जाति ढूंढी जाएगी, क्योंकि आज विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है। सुधांशु जी, देखिए मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, परंतु वाहियात किस्म के देशद्रोह की सीमा तक जाने जाते हुए लगाने वाले आरोपों की एक सीमा होती है। क्या विपक्ष ने आज तक नहीं सुना? सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोरगा डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ये क्या है भाई? ये बताइए, ये यही तेजस्वी यादव है ना जो इस बात की डिमांड करते थे कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए? क्षेत्र के आधार पर भी कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट है। मतलब यह बात जो 100-150 वर्षों से चली आ रही है उसको लेकर, इसीलिए मैंने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि आकर किसी भी सीमा तक जाकर, और वह व्यवस्था बिल्कुल यथावत है, 75 साल से नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं तो कॉलम अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। धर्म की बात, अरे भाई धर्म की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है, मैं एकदम ऑफिशियली कह रहा हूं, जनरल सिन्हा ज्यादा बेहतर बताएंगे, बाकायदा धार्मिक शिक्षक भी नियुक्त होते हैं। यदि जवान किसी समय जा रहा है युद्ध पे तो उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप यदि वो किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करना चाहे तो पुजारी, मौलवी, ग्रंथी सब अपॉइंट किए जाते हैं, और यदि दुर्भाग्यवश
कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए और वो ऐसे दुर्गम स्थान पे हो, युद्ध चल रहा हो, तो उस समय उसका अंतिम संस्कार किस आधार पे किया जाए या धर्म के आधार पर ही तय होता, केवल इसलिए। और ये लोग भूल गए मार्च 2006 सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इन्होंने ये बात पार्लियामेंट में कही थी कि देयर शुड बी अ मुस्लिम हेडकाउंट इन इंडियन आर्मी। लोकसभा में जनरल जेजे सिंह थे उस समय सेना अध्यक्ष, उन्होंने पुरजोर विरोध किया, तो राज्यसभा में आते आते अपना स्टेटमेंट बदल के एक एंटोनी जी ने कहा नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बातें करना और उन लोगों के द्वारा करना जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछते थे सबूत के, जो एयरफोर्स के द्वारा की गई स्ट्राइक के ऊपर या बालाकोट में सवाल पूछते थे कि आदमी मरे थे कि पेड़ गिरे थे, जिन्हें भारत की सेना के वक्तव्य से ज्यादा चीनी सेना के दावे पर भरोसा है, जिनके लिए भारत की सेना का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ झप्पी करते हैं, वह लोग जब आकर आ यह बातें करते हैं तो पूरी तरीके से उनका चरित्र उजागर है। और ये और भी कुछ नहीं, अभी संसद का सत्र शुरू हुआ, 1954 से चली आ रही 1200 पेज की डिक्शनरी जिसमें कि असंसदीय शब्दों की सूची है, वो कहने लगे पहली बार हुई है। अरे 2010 से तो हर साल छप रही है, और यहां पर वो चीज जो 75 साल नहीं अंग्रेजों के जमाने से चल रही है वो पहली बार होने लगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों का जो दुर्दांत चरित्र है वह आज देश के सामने पूरी तरीके से उजागर हो। ठीक सुधांशु जी। आतिशी जी देखिए, ये कहा जाता था कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, लेकिन अब ये कहा जाता है कि झूठ के 10,00,000 पांव होते हैं। जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है, झूठ पूरी दुनिया में चक्कर लगा कर आ जाता है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी संजय सिंह जी को कि बिना फैक्ट चेक किए उन्होंने एक ऐसा भ्रम पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया। देखिए मीनाक्षी जी, आज देश के सामने बहुत बड़ा सवाल तो है ही, आज पूरा देश ही अग्निवीर योजना पे सवाल तो उठा ही रहा है और सवाल उठाना वाजिब है। एक ऐसी स्कीम लेके आई जा रही है जो आपके देश की आर्मी को कमजोर कर रही है, एक ऐसी स्कीम लेके आई जा रही है जिसमें हर साल 75% सेना में कमी हो जाएगी। आज आप 15 से 20 साल में देखिए तो आपकी सेना आधी रह जाएगी। पहले एक साल में सैनिक तैयार होते थे, अब 6 महीने। आतिशी जी बहुत माफी के साथ, देखिए मैं आपको शुरुआत में ही टोक रही हूँ, पहले हम ये तय कर लें कि हम इस स्कीम की भर्ती प्रक्रिया पर, इस स्कीम पर चर्चा कर रहे हैं या फिर संजय सिंह जी ने जो आज एक बड़ा आरोप लगाया कि सेना में अग्निवीर ढूंढे जा रहे हैं या जाति वीर बनाए जा रहे हैं, आज मुद्दा ये है, ये जाति वीर का भ्रम क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, बस इन सब सवालों के जवाब तो केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे ना, कि आखिरकार जब एक समय ऐसा होता था कि सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में 5 साल से ज्यादा सीनियर जवानों को लगाया जाता था, लेकिन आज के दिन में जब आप जवानों को हटा देंगे, 4 साल बाद ही हटा देंगे, तो आपकी सेना कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये तो सारे ही सवाल आज अग्निवीर योजना को लेके पूरे देश के सामने खड़े हैं। अब केंद्र सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन देश तो ये सवाल पूछ ही रहा है। आतिशी जी, अग्निवीर मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, मैम मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ संजय सिंह जी के आज इंडिया टीवी पर चलाए गए बयान को मैं आपके सामने रखते हुए पूछ रही हूँ। जब हमारी संवाददाता ने उनसे पूछा कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से जाति पूछी जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये उन्होंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहा, उनके सवाल पर ये कहा। मीनाक्षी जी पर ये बताइए, अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी बात बता रहे थे कि धर्म इसलिए जानना जरूरी होता है कि मान लीजिए कि जब कहीं पे किसी मुश्किल परिस्थिति में, कहीं पे युद्ध के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका संस्कार किस प्रकार से किया जाए, चलिए हमने मान लिया। लेकिन सुधांशु जी, जाति जानने की क्या जरूरत है? क्या अब आप अंतिम संस्कार जातिगत आधार पर करेंगे? क्या आप अलग अलग रेजिमेंट सब जाति के आधार पर हम बनाने का सोचेंगे? तो आपने ये तो हमें कारण बता दिया कि क्यों हमें जानने की जरूरत है। किसी विकट परिस्थिति में हो सकता है कि किसी का धर्म जानने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन आपको एक सैनिक की जाति जानने की क्या जरूरत? ठीक है, दूसरी बात, अब आप अगर संदर्भ पे आ रही हैं, सुनिए ठीक है आप कंप्लीट कर दें। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सब कुछ पहले ही जैसा है, तो आर्मी की नौकरी का समय क्यों कर दिया गया, कम कर दिया गया, पेंशन क्यों खत्म कर दी गई? इतना तब आज मोदी जी सेना को कमजोर क्यों कर रहे हैं,
इस मुद्दे का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। देखिए मैम, अब आपने दो बातें कही आतिशी जी, इसमें दो संदर्भ हैं। जो बात आपने कही कि जाति पूछने की जरूरत ही क्या है, इस पर तो सिन्हा साहब जवाब दे देंगे, सुधांशु जी भी जवाब दे देंगे, लेकिन मैंने बार बार आपसे पूछा, संजय जी ने कहा और स्पष्ट तौर पर कहा कि जाति क्यों पूछी जा रही है और पहले तो नहीं पूछी जाती थी, ये पहली बार हो रहा है और मोदी राज में सेना के जवानों को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। मेरा सवाल इस संदर्भ में था। इससे पहले मैं सुधांशु जी आपके पास आऊं, के सिन्हा जी आप जरा ये बताएं कि जब आपने अपना फॉर्म भरा था या आपके साथियों ने फॉर्म भरा था, आवेदन किया था, तब आपसे जाति पूछी गई थी, धर्म पूछा गया था सर? देखिए मीनाक्षी जी, जो आपका सवाल है कि आज से तकरीबन 42 साल पहले जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फॉर्म भर रहा था, तो हमारे को बहुत ये तो कुछ जाति धर्म रिलीजन किस क्षेत्र से आते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या चीज आपकी सोच है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, हलाल खाते हैं, नहीं खाते, ये सारा चीज पूछा जाता है और उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है कि आप झटका खाते हैं कि हलाल खाते हैं, और इसका पूरा सम्मान होता है। ये नहीं कि उसकी सम्मान नहीं होती। सेना की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये उस समय तक ही तख्ते में रह जाती है और उसको हम समन्वय से लेकर चलते हैं। तो ये कहना कि ये पहली बार हो रहा है, ये सरासर झूठ है, फेक न्यूज है। उसी तरह की सच्चाई ये है कि आप 10 बार झूठ बताएं कि ऐसा नहीं होता था, इससे भी ज्यादा सख्त इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं और जरूरी है, ये पूरा का पूरा मेंटेन होता है हमारे यहां। यदि आप हमारी डोजियर, आपने पूछा जब आपका, आप मेरी डोजियर वो आज भी मेंटेन्ड है, आप जाइए हमारे, हम तो मैं ऑफिसर हूं, आप जाकर निकालेंगी तो आपको ये यहां तक मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर में, जो चीजें आप सोच भी नहीं सकते वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और ये बहुत जरूरी है। मीनाक्षी जी, इस तरह से सेना के ऊपर में हर एक चीज के ऊपर में वाद विवाद करना नहीं जान करके, और देखिए सेना तो माना हुआ है ना, तो हम किसी जाति ना धर्म ना किसी, मगर हम सबको सम्मान देते हैं, सबको लेकर चलते हैं। आपको मैंने एक बात तो सर आपके आपके इस वक्तव्य से स्पष्ट हो गई है सर कि ये कोई नई बात नहीं है, यह हमेशा से चली आ रही है। और दूसरा सवाल जो था कि यह परंपरा क्यों है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है सुधांशु जी कि आरोप आपकी सरकार पर फिर भी यह लग रहा है, आतिशी जी अभी भी ये कह रही हैं कि आप अगर सेना में वाकई में भर्ती करना चाहते ही थे तो कुछ बदलाव इतने आपने किए तो एक बदलाव इसमें भी कर देते, इसकी भी क्या आवश्यकता थी, यही तो संजय सिंह जी भी कह रहे थे, यही वरुण गांधी आपकी पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं, इसमें बदलाव कर देते भर्ती प्रक्रिया में, जाति ना पूछते। नहीं मीनाक्षी जी, नहीं संजय जी ये नहीं बोल रहे थे, वो सरासर झूठ बोल रहे थे। उन्होंने ये शब्द बोला कि पहली बार जाति और धर्म पूछा जा रहा है, पहली बार, ये इतना बड़ा झूठ है जो भारत की स्वतंत्रता से पहले चल रहा उसको पहली बार कहना, आप केवल सेना को लांछित करने, क्योंकि ये उसी परंपरा के हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक से सबूत मांगते थे, जो खून की दलाली शब्द प्रयोग करते थे, जो कहते थे कि इंडियन आर्मी ज्यादा मारती है, जो लोग कहते थे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नहीं होना चाहिए, जो कहते थे कि सेना के अधिकारियों पर मानवाधिकार के मुकदमे चलने चाहिए, ये जिस परंपरा के प्रतीक हैं वही लोग आज ये कह रहे हैं। और मैं आतिशी जी को भी उनके संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूँ, आप कम कर रहे हैं और अरे भाई मैं आपके टर्न पे नहीं बोल रहा था, इम्पोर्टेंट ऑपरेशन, देखिए अब आपको लग गया कि फैक्ट अनकंफर्टेबल है तो बीच में बोलना आपकी मजबूरी होंगे ही नहीं, दो ही लोग हैं डिबेट में तो बीच में बोलना आपकी मजबूरी, अब ये देखिए आप फैक्ट नहीं आती है, अब एक फैक्ट बता जी, अरे 5 साल का जवाब दे रहा हूँ मैडम, सुनिए तो बुनियाद आरोप लगाएंगे, आरोप कमजोर लेकिन आप ये समझ नहीं है, संजय सिंह जी ने फेक न्यूज पेडल की है,
उन्होंने एक सांसद होने के बावजूद बिना फैक्ट चेक किए, मैं आपके सामने पीआईबी का फैक्ट चेक रख सकती हूं, जो एक आइडियल एग्जांपल है कि कैसे एक सांसद के द्वारा इतनी गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई। तो इसलिए मेरे ख्याल आपको एक बार सुन लेना चाहिए, फिर आप अग्निपथ योजना पर चाहे जितने सवाल खड़े करें। देखिए, यह दावा फर्जी है, यह पीआईबी का फैक्ट चेक है। सेना भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र दिखाने का प्रावधान पहले से है। सिन्हा साहब को भी आपने सुन लिया। सुधांशु जी, अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आती हूं आपके पास। आतिश जी, हाँ, बस मैं पूरी करता हूं। इन्होंने 5 साल के ऑपरेशन की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत की सेना के परमवीर चक्र विजेताओं में से एक, जो सबसे कम आयु के परमवीर चक्र विजेता थे, जनरल सिन्हा को उनका नाम याद होगा, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 1971 के युद्ध में, वो बमुश्किल 20 वर्ष के थे, 5 साल का उनका सेना का कैरियर नहीं था, इसके बावजूद वो भारत के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए ये इस प्रकार की थ्योरी देना कि 5 साल से कम में भेजा नहीं जाता था, अगर आपने सिर्फ परमवीर चक्रों की सूची देख ली होती तो शायद आपका विचार अलग हो जाता। दूसरा, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बात कही जा रही है, अरे भाई, भारत की सेना के आदर्श वाक्यों में, भारतीय समाज की संरचना में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग लड़ने के लिए अधिक आते हैं। जैसे 1965 से पहले तो हमारी 80% फौज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आती थी। आज भी अग्निवीर योजना इसीलिए की गई है कि अगर आप देखें तो देश के करीब 80 जिले हैं जहां से 80% फौज आती है, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया। और रही बात इसकी, तो शायद आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, भारतीय सेना के रेजिमेंटों के आदर्श वाक्य क्या है। जाट रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कभी आपने सुना है? जाट बलवान जय भगवान। सीधे भगवान के प्रति भी आस्था है, और वो भी है। आपको पता है गोरखा रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? जय महाकाली आय और गोरखाली। देखिए, युद्ध के समय बैठ के जो यहां पर ये सेकुलर प्रवचन दिए जाते हैं, इस ढंग के प्रवचनों से युद्ध के समय वो लड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा वहां पर धार्मिक शिक्षकों की भी नियुक्ति होती है। यदि कोई अपने धर्म का, धर्म ग्रंथ का वाचन करके जाना चाहे, किसी धार्मिक संस्कार को लेके जाना चाहे, कलावा पहन के, कंठी माला पहन के, ताबीज पहन के जाना चाहे, तो उसके पूरे धार्मिक संस्कार की व्यवस्था रहती है। और अभी जनरल सिन्हा ने एक बात बोली तो मुझे एक और बात ध्यान आई। मीनाक्षी जी, मैं स्वयं डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में हूं, तो जो इन्होंने कहा कि जो सैनिकों का भोजन है उसके भोजन के प्रेफरेंस भी होते हैं, हम लोगों को बताया गया कि आज से एक पीढ़ी पहले लगभग 100% जवान हुआ करते थे वेजिटेरियन, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, अब उसमें एक अच्छी खासी संख्या नॉन वेजिटेरियन की हो गई है। तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से उसके भोजन का निर्धारण होता है। फिर जैसा उन्होंने बताया, झटका या हलाल खाने वाले नॉन वेजिटेरियन में, तो उस भावना का सम्मान करके रखा जाता है। परंतु इस हर अच्छी चीज में एक नकारात्मक शक्ति देख के केवल मोदी जी के प्रति विद्वेष में सीमा तक जाना कि देश, सुरक्षा, सेना सभी को अपमानित, लांछित कर लो, मुझे लगता है ये राजनीति का आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में आया हुआ सबसे बड़ा विषय। आतिशी जी, आप सरकार को बदनाम करने की चेष्टा में आम आदमी पार्टी ने आज जनता को गुमराह करने का काम किया, आप गंभीरता समझ रही हैं इस बात की? देखिए मीनाक्षी जी, सुधांशु जी ने अभी तक उस बात के सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्यों सेना को कमजोर किया जा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुधांशु जी, कि बिल्कुल कई हमारे जवान होंगे जो शहीद हुए, जो काफी कम उम्र के थे, जिनका 5 साल से कम। आतिशी जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं, चलिए सिन्हा साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि ये झूठ इतना बड़ा नुकसान इस देश के लिए करता है, और आज कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, आज कुछ वही दिखाई दे रहा है कि जनता गुमराह हो रही है। किसी ने तो आर्मी का शायद फॉर्म भरा भी नहीं होगा, नेवी का फॉर्म भरा भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से उसका गुमराह हो जाना, उस जनता का, ये अब कितना खतरनाक है इस देश के लिए भी। सिन्हा जी, देखिए मीनाक्षी जी, जो आप कह रहे हैं कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है, देखिए क्या है कि हम तो मैन के मन से, मस्तिष्क से, उसके दिमाग से खेलते हैं, और वही वॉरफेयर का आर्ट ऑफ लीडरशिप है, क्योंकि हम उसको तैयार करते हैं कि मौत के मुंह में, और बलिदानी देने के लिए हरदम तैयार, तो सबसे बड़ी बलिदानी होती है अपने, और उसके लिए जो हमें करना होता है, हम उन चीजों को जाते हैं पूरे डिटेल में। यदि आप पूछिएगा कि एक जवान का गोत्र क्या है,
एक जवान कहां से आता है उसके स्ट्रेंथ को लेकर के हम मोटिवेट करते हैं, और ये चीज हमें बताने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये लोग तय करें कि किस तरह से हम चीजें करें। सेना का अपना काम करने का एक तरीका है। सेना ने प्रूव किया है पूरे विश्व के अंदर में कि भारतीय सेना की किसी भी चुनौती का सामना करने के, अब हम किस तरह से करें, क्या हमें इस तरह से लोग इस मंचों में आकर के इस तरह से विवाद उठाकर खड़ा करें। आपको मैं फिर बताता हूं, हम लोग जो जो एक ऑफिसर होता है, एक अहदेदार होता है, वो उन चीजों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पूरे धर्मों का आदर सत्कार, उसकी जो आस्था है उसके ऊपर में कार्रवाई होती है किसी चीज को, क्योंकि वो हमारा बैटल विनिंग फैक्टर है। आपने सुधांशु जी को सुना, मैं सिख रेजिमेंट का हूं, मैं बिहार से आता हूं, सिख रेजिमेंट, मगर मेरी पहली जो चीज है उस सिख रेजिमेंट में जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब का एक एक चौपाई, एक एक चीजें हमें याद है, और उसके ऊपर में किसको कब क्या मोटिवेट करना है वो हमें पता है। मगर हमें यदि इस तरह से जलील करके, इस तरह से चीजें ला करके, इस तरह से डिबेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी में मन से फंसना चाह रहे हैं, और ये एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि रेजिमेंटेशन, सेना की जो अपनी करने की कार्रवाई, ये इतनी डिफरेंट और भिन्न है, ये ना तो पाकिस्तान में होता है, ना चाइना में होता है, ना विश्व के किसी, हमारी ये स्ट्रेंथ को क्यों मारना चाहते हैं इस तरह के विवाद करके। सुन रही आप आतिशी जी, पूरा का पूरा हमारे जनरल सेना के ऊपर में ये कह रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ को ना खत्म कर सकता है, ये वैमनस्यता फैला सकता है, इस तरीके की बातें खतरनाक है, नहीं होनी चाहिए ऐसी बातें। आतिशी जी की आवाज क्या आप आ रही है? आतिशी जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए सुधांशु जी, लेकिन देखिए जो उन्हें कहना था उन्होंने कह दिया, जो उन्हें लिखना था उन्होंने लिख दिया, जो डैमेज होना था वो तो हो गया, लेकिन हर कोई तो बैठकर इसका फैक्ट चेक करने नहीं जा रहा। आज उन तमाम युवाओं को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे जो शायद इस शंका में घिर गए हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे हैं बिहार में बैठ के, या जो तेजस्वी यादव को सुन रहे हैं, उनके तो मन में एक संशय खड़ा हो गया ना कि हमारी, देखिए जाति पूछी जा रही है, अब जाति धर्म के आधार पर हमारी सेना में भर्ती होगी। देखिए ये बात मुझे लगता है कोई युवा इसलिए भ्रमित नहीं होगा, जैसे जनरल सिन्हा जी ने बताया वो बिहार रेजिमेंट से हैं। अभी आपको पता गलवान में कौन लड़ रहा था? बिहार रेजिमेंट के ही लोग थे। उन्होंने बताया कि सिख रेजिमेंट से हैं वो मूलतः। सिख रेजिमेंट का जय घोष क्या है? सिख रेजिमेंट का जय घोष वही है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अब आप कहेंगे ये तो साहब धार्मिक नारा हो गया, धार्मिक नारा नहीं, वहां मोटिवेट करने की जरूरत होती। इसीलिए मैंने कहा हम और आप सिविलियन हैं, वो गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में आगे बढ़ना, जहां किसी भी क्षण एक गोली आपके शरीर को छेद के निकल जाएगी और वहीं जीवन समाप्त हो जाएगा, उसको आगे बढ़ने के लिए अलग प्रकार का मोटिवेशन चाहिए। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 62 की लड़ाई में एक चुशूल की लड़ाई हुई थी जिसके लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। वो शायद 20-22 जनरल सिन्हा को ज्यादा बेहतर पता होगा, 20-22 सैनिकों के साथ उन्होंने 75% सुधांशु जी मेरे के अलावा आतिशी जी तक मेरी आवाज पहुंचने भी लगी है और बहुत देर से उनके पास बोलने का। चलिए अब आतिशी जी को बोलने दीजिए, उनकी आवाज वापस आ गई तब मैं उनका जवाब देता हूं। जी आतिशी जी अब रिस्पॉन्ड करें। देखिए इस बीच मुझे नहीं पता आप कितनी बातें जनरल सिन्हा साहब की सुन पाई। उन्होंने साफ कहा कि ये जिस तरीके की सियासत आर्मी की भर्तियों को लेकर हो रही है उससे समाज में वैमनस्यता आ सकती है, ये सेना के मोरल के लिए भी बहुत खतरनाक है। अब आपका जवाब। अब आप मुझे बताइए सुधांशु जी, इस सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि क्यों हमारी देश की सेना को कमजोर किया जा रहा है। हर साल 75% सेना में देश की सेना 75% हर साल कम होती जाएगी, आधी रह जाएगी। जो ट्रेनिंग पहले एक साल में दी जाती थी वो 6 महीने में दी जाएगी। एक तरफ चाइना है जो हर साल 4 लाख के आसपास आर्मी भर्ती करता है, और एक तरफ भारत है जो 46,000 भर्ती करेगा जिसमें से भी हम 35,000 को निकाल देंगे। अब बताइए ये जो पूरी स्कीम है ये आपकी सेना को मजबूत कर रही है कि कमजोर कर रही है? चाइना आज आपसे 10 गुना लोगों की भर्ती कर रहा है,
तो क्या आज हमें ज्यादा भर्तियां करनी चाहिए कि कम भर्तियां करनी चाहिए? उस 46,000 की जो आप भर्तियां करेंगे उसमें से 35,000 लोगों को आप हर साल निकाल देंगे। आपकी जो हमारे देश की सेना है उसमें आपकी सरकार जो स्कीम लेके आई है 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले सैनिक बचेंगे ही नहीं, तो जो सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं, जो मुश्किल ऑपरेशंस हैं, इनको कौन करेगा? इन सब सवालों का जवाब सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आज भारत के लिए चाइना, अब आतिशी जी, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन मैं फिर पूछती हूँ आपसे वो सवाल। संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा, मैं रिपीट कर रही हूँ उनका ट्वीट, मोदी सरकार का घटिया चेहरा सामने आ गया, उन्होंने एक झूठ बोला संजय सिंह जी ने। क्या आप इसे कंडेम करती हैं या नहीं? मैंने बार बार आपसे पूछा कि यहाँ पर जनरल सिन्हा साहब बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति सेना की भर्तियों को लेकर जातिवादी जातिवीर बताकर ये खतरनाक है, क्या आप इसे कंडेम करेंगी? जी मीनाक्षी जी, सिन्हा साहब ये भी तो बताएं कि क्या ये बात सच है कि नहीं है कि ज्यादातर जो डिफिकल्ट हाफ ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा। मैं वो सवाल पूछ लूंगी सिन्हा जी से, आपने कहा ये सवाल सुधांशु जी के पास भी जाएगा, ये सवाल सिन्हा जी के पास भी जाएगा, लेकिन आज आप इस बात का जवाब दीजिए, आज आप मुकाबला में इस बात का जवाब दीजिए मैम कि क्या ये झूठ खतरनाक नहीं था? क्या संजय सिंह जी ने फैक्ट चेक किए बिना ये बात कह दी? मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है, क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जात पूछेंगे? अपनी सेना को कमजोर किया जा रहा है, सेना को कमजोर किया जा रहा है। सुधांशु जी आप इस बात का जवाब दे दें, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आतिशी जी यहां बैठी हैं इस वक्त। अरे मैम, अब उनको मैं पूरी बात का जवाब दे देता हूं। मीनाक्षी जी देखिए, मैंने जो पहले बोला था पहले वाक्य में वो प्रमाणित कर दिया आतिशी जी ने, चीन की सेना भारत की सेना से 10 गुने ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस आंकड़े का आधार क्या है भाई? वो सेना जिसने गलवान में अपने हताहत हुए सैनिकों की सूची नहीं जारी की, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हमने 20ों का नाम लिया और ससम्मान उनके पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाया, पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ हुआ, चीन ने एक नहीं जारी किया। यानी आप सोचिए, मैन टू मैन फाइट हुई, गोली चलाए बगैर, धारदार हथियारों की लड़ाई में उनका एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। और कितने सारे लोगों के अनेक प्रकार की बातें आई कि वहां सेना छुपा रही है उस बात को, उस सेना की बात पर ज्यादा भरोसा दावे पर, भारतीय सेना की बात पे नहीं। आखिर में कहते कहते दिल की आरजू जुबां पे आ गई। अब मैं बताना चाहता हूं जो इनकी आरजू आई उसी में उत्तर छुपा है। मानिया जी आपको पता होना चाहिए कि चीन की सेना में ऑलमोस्ट इंटायर आर्मी जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन पे चलती है, यानी वहां एक निश्चित समय अवधि के लिए, जिसे आप अग्निवीर कह रहे हैं ना, वो अग्निवीर टाइप की ही योजना में चल रही है। और इतना ही नहीं, दुनिया की जितनी भी ताकतवर सेनाएं हैं, धांशु जी अरे मैं जवाब दे रहा हूं, दुनिया की जितनी ताकतवर सेनाएं हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, उसमें एक देश बता दीजिए जिसमें इस प्रकार की योजना ना हो। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, पर भारत की सेना की औसत आयु दुनिया की सभी सेनाओं में सबसे ज्यादा थी। यानी हमारी सेना सबसे बुजुर्ग और हमारा देश सबसे युवा था। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा संख्या की दृष्टि से, तो मैडम मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अब आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ संख्या में बदलाव आता है। जैसे केवल आज से 10 साल पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब अगर हम जवाब दे रहा हूं भाई सुनिए तो, आज से केवल 10-15 साल पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब अगर आपको कोई 20 किलोमीटर के एरिया के ऊपर सर्विलांस करनी है तो 5-5 लोगों की टुकड़ी रहती थी जो कि कंटिन्यूअस हर 4 घंटे के ऊपर वहां पर ट्रेवलिंग करती रहती थी, पेट्रोलिंग। तो कम से कम आपको 20 सिपाही चाहिए। आज ड्रोन के द्वारा केवल 4 सिपाहियों से वो काम हो सकता है। अब किसी को टेक्नोलॉजी ये समझ ही में नहीं आ रही हो, वो ये चाहता हो कि साहब हम पुराने जमाने के हिसाब से जीते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, सेना के प्रति ज्ञान का अभाव, सेना के प्रति निस्सम्मान का अभाव,
सेना के प्रति निष्ठा का भाव और सेना के प्रति केवल और केवल दुर्भाव, वही लोग आकर इस प्रकार के अनर्गल प्रश्न पूछ रहे हैं। सुधांशु जी, आप जब तक अपना जवाब पूरा कर रहे थे, आतिशी जी से संपर्क हमारा टूट गया। मुझे नहीं पता वो कितनी बातें आपकी सुन पाई हैं या समझ पाई हैं, लेकिन फिना साहब देखिए, समस्या इस बात की है जो बात मैंने सुधांशु जी से पूछी कि समझने की आवश्यकता भी मुझे कम लगती है। फिना साहब देखिए, ये भ्रम तो एक बात लगता है, जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। हम इंतजार करते हैं, चलिए आतिशी जी से अगर एक बार फिर से संपर्क हमारा हो पाया। लेकिन सिन्हा साहब, आप सर हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि पहला तो कि ये जाति धर्म की आवश्यकता, जो आपने कुछ हिस्सा समझाया कि इसकी आवश्यकता क्यों है, लेकिन थोड़ी देर पहले आतिशी जी ने एक सवाल भी पूछा था, उसका संदर्भ ये था। उन्होंने कहा कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या ये आपस में सैनिकों को बांटती नहीं है, क्या वैमनस्यता नहीं फैलती, और ये जाति और धर्म का विशेषण क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, ये इसका कारण टेक्निकल है। इसका कारण ये नहीं कि हमारे सेना के अंदर में कोई पक्षपात हो, कोई ऐसा कोई पोलराइजेशन हो, ऐसा नहीं है। ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है और ये बहुत जरूरी है इस तरह की डेटा, और ये डेटा नहीं होगा तो हमारे जो लड़ाई करने की क्षमता में जो मानवता के साइड का है, जो ह्यूमैनिटेरियन है, जो एचआर का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, उसमें फर्क आएगा, ये आप मान के चलिए। नहीं नहीं सर, लेकिन देखिए धर्म के आधार पर तो समझ में आता है कि धर्म पे धर्म जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो धर्म अलग अलग हैं, तो उसके आधार पर तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। लेकिन जाति में भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आदिवासी है, कहाँ से आने वाला है, इतनी ज्यादा बाइफिकेशन होना, इसके टिक मार्क करना, इसकी क्यों आवश्यकता है? एक छोटा सा जवाब मैं इस पर आपसे चाहती हूँ, और आतिशी जी फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास संक्षेप में। सर बताएं। देखिए मीनाक्षी जी, हर एक इलाके का, हर एक जाति का, हर एक गोत्र का एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेसेस है। वो क्योंकि हम लोग मैन ह्यूमन से डील करते हैं, और ये चीज ये लोग पार्लियामेंट में या रोड के ऊपर नहीं बताया जा सकता। हम ह्यूमन के साइकोलॉजी से डील करते हैं, उसको हम अपने अपने इच्छा से लास्ट सेक्रीफाइस तक करके लिए तैयार करते हैं। हम उसको ये कहते हैं कि बाय विलिंग, आप अपने कोई अपनी अपनी पत्नी को विधवा करना चाहता है, वो मरने आता है, नहीं आता है, मगर वो इच्छा शक्ति से करता है। और उसके लिए इन चीजों का लीवरेज करना, इसको आप कहिएगा कि नहीं, आप ये कह रहे हैं, ये बात आप जाति में बांट, ये जाति बात का नहीं है। जिस दिन सैनिक ज्वाइन करता है वो भूल जाता है, मगर उसकी लीवरेजिंग, उसको निकालना, उसको बांटना, उसके टीम बनाना, इसके ऊपर बहुत जरूरी है। और ये चीज नहीं कि हम जानते हैं, हम नहीं जानते, हम इसको ताक में रख देते हैं, मगर आप कहिएगा कि हम एज ए इंफॉर्मेशन इसको नहीं रखें, डेटा बेस को नहीं रखें, तो ये गलत है, ये गलत, सरासर गलत है। और हमारे सेना के ऊपर में आप आंच उठा रहे हैं, उनके नियत को आप ये कर रहे हैं, खोट देख रहे हैं, नियत ये नहीं है, नियत के ऊपर सवाल। और आतिशी जी देखिए, इस वक्त विपक्ष यही कर रहा है, इस वक्त आतिशी जी विपक्ष यही कर रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्षेप लगाने के चक्कर में सेना की नियत पर सवाल खड़े कर दे रहा है, जबकि सेना की भर्ती प्रक्रिया आजादी से पहले से एक सी चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, एक ही तरह की भर्ती प्रक्रिया, और साइकोलॉजी को डील किया जाता है। अभी सिन्हा साहब ने इतने अच्छे से समझाया। मीनाक्षी जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं? अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं तो आर्मी की नौकरी का समय क्यों कम कर दिया? अगर मैं आपसे जाति की बात पूछ रही हूँ, संजय सिंह जी ने जाति का मसला क्यों उठाया, जाति वीर क्यों कहा? ये तो स्पष्ट है कि कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। आतिशी जी, सैनिकों को जाति वीर क्यों कहा संजय सिंह जी ने? आज आप इस बात को पहले क्लैरिफाई करें। ये भी इस बात को जब लीजिए, फिर संपर्क टूट गया। क्या कहा जाए सुधांशु जी, ये क्लैरिफाई तो मुझे लगता नहीं कि आज होने वाला है, लेकिन बार बार सवाल घूम फिर करके वहीं पर आएगा कि आप लोग जाति में बांट रहे हैं, देश की सेना को बांट रहे हैं, देश के समाज को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, आरोप बार बार बीजेपी पर यही लगेगा।
मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बात बोलना चाहूँ, देखिए मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु जी 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 सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वो सुन लेते हैं पहले। जी जनरल सिन्हा, ठीक है सिन्हा साहब पहले कह लें फिर। देखिए देखिए मीनाक्षी जी, देखिए मीनाक्षी जी, हमारे फौज के अंदर में हम ये मानते हैं कोई भी जाति ना तो नीच है ना ऊंच है, कोई जाति कोई भी धर्म ना तो नीच है ना ऊंच है। ये विवाद इसलिए खड़ा कर रहे हैं या आप जो विवाद हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि वो जाति नीच है ये ऊंच है। सेना के अंदर ये मानना है कि हम सब बराबर हैं एग्जैक्टली, तो हमारे यहां कोई ऐसा नहीं होता कि वो नीच है, हमारे यहां सब बराबर हैं, सारे ऊंचे हैं। हमें लीवरेज करना होता है उन चीजों को जिसमें मानवता की, जो ह्यूमन साइकोलॉजी की, उसके लीवरेज, और ये पता नहीं होता किसी को, ये पता नहीं होता, मगर हम इस तरह कभी बांटते नहीं, कभी डिस्कस नहीं करते, मगर हमारी चीजें चलती रहती हैं। हमारे 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 जो ये हमारा DRDO है या हमारी अपनी जो ये, हम ऐसे नहीं तैयार हो गए। ये भारतीय सेना, भारतीय सेना ने रेजिमेंटेशन ऐसे नहीं निकाल लिया, भारतीय सेना ने रेजिमेंटेशन को सींचा है, 70 साल से सींचा है, हम लोगों ने सींचा है, हमारे पूर्वजों ने, जो सेना के पूर्वज थे उन्होंने इसको खड़ा किया था, और हम नहीं बांटते। हमारे लिए ना तो कोई ऊंच है ना नीच है। नहीं नहीं सर, सेना सेना पर तो ये आक्षेप कोई लगा ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर अगर पॉलिटिकल मोटिव से इस तरीके की बातें आती हैं तो सेना को जवाब देने के लिए बार बार सामने आना पड़ता है, और इस बात का बड़ा अफसोस भी है। आतिशी जी, मैं चाह रही हूं कि आप एक बार में अपना जवाब कोई पूरा कर ले, लेकिन नेटवर्क की इतनी बड़ी समस्या है। आप यदि, मैं फिर आखिरी सवाल आपसे ये पूछती हूं, यदि आप इसे कंडेम कर सकें कि संजय सिंह जी ने जो बात कही अग्निवीर को जाति वीर कहना ये गलत था, तो आपके पास ये एक अंतिम मौका, आखिरी समय आपके लिए इस डिबेट का। मीनाक्षी जी, अभी तक जितना पूरा आधा पौना घंटा इस डिबेट में बीत गया है, सुधांशु जी ने इस एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेना को कमजोर कर रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी जिनकी केंद्र सरकार है, चाइना और पाकिस्तान एक तरफ अपनी आर्मी को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी देश, हमारे देश की आर्मी की संख्या को कम कर रही है। चाइना 4 लाख जवानों की भर्ती कर रहा है तो भारत 44,000 जवानों की भर्ती कर रहा है, उस 44,000 जवानों में से भी 35,000 जवानों को हर साल हटा दिया जाएगा। आपके 15 से 20 साल में सेना की संख्या आधी रह जाएगी, आपके पास एक्सपीरियंस सैनिक नहीं रह जाएंगे, लेकिन सुधांशु जी इस बात को कहते रहेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी बात है। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि क्यों भारतीय सेना को, आतिशी जी जो जानकारी आप दे रही हैं, क्या ये भी संजय सिंह जी के ट्वीट वाली जानकारी है जो अग्निवीर को वो जातिवीर बता रहे हैं? मीनाक्षी जी आप ही बताइए, बताएंगे सुधांशु जी कि क्या किस 46,000 भर्तियां हो रही हैं जब चीन 4 लाख भर्तियां कर रहा है? बताइए हर साल क्या 35,000 लोगों को हटाया नहीं जाएगा? बताएं सुधांशु जी, उनके पास लास्ट डेटा होगा। लास्ट 20 सेकंड्स, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे पाऊंगी सुधांशु। ये 4 लाख की फिगर कहां से आ रही है भाई? और चाइना की आर्मी का नाम पता आपको? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। जैसे हमारे यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग है, पुलिस अलग है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स भी वही है। जनता आपके ऊपर दमन करने के लिए वो फौज है, जिंदगी में लड़ी नहीं है मगर उस फौज पे आपको बड़ा भरोसा है। ना पीस कीपिंग फोर्स में जाती है, हमारी इंडियन आर्मी पीस कीपिंग फोर्स में भी सबसे अधिक जाती है, और हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ संख्या रखी हुई है। और जो भी बात है वह निर्णय सेना ने किया। और अंत में एक और बात कह दूं भाई, आप ये बताइए कि आप जो चाइना की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी का, मैं ये सोच क्या आपके पास, ये कौन आपको बता रहा है कि चाइना की आर्मी शुक्रिया सुधांशु जी, आतिशी जी, जनरल सिन्हा साहब हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।